मैं मुश्किल में हूँ कि अपने बच्चों को कौन से मदरसे में भेजूँ, सुन्नी मदरसों में या वहाबियों में। तो आप दोनों मदरसों को जाके देख लें कि सुन्नी मदरसे जो कहलाते हैं यानी बरेलवी हजरात, उनके मदरसे में तालीम भी है, वहाँ तो बस बोर्ड लगे हुए हैं या ग्यारहवीं होती है या मीलाद शरीफ होता है या नात खानियाँ होती हैं। एक हमारे मुल्तान के थे, नवाब थे बड़े, वो हज़रत काजमी साहब के बैयत थे बाकायदा, उनके मुरीद थे। हज़रत काजमी साहब बरेलवियों के बड़े उलमा में से थे। तो एक दिन हज़रत नवाब साहब की कोई बेटे की अल्लाह आलम खुशी थी या क्या था, उस पर दावत दी, तो उन्होंने पीर साहब को भी बुलाया। तो पीर साहब को लोगों ने, उनके जो ख़ास लोग थे, उन्हें बताया कि हज़रत ये मुरीद तो आपका है और इसने एक मदरसा बनाया हुआ है, मदरसे के जितने मदरसे हैं वो सारे देवबंदी हैं, ये अच्छा मुरीद है आपका, मदरसे देवबंदी रखता है, मुरीद आपका है। तो उसने काजमी साहब ने भी कह दिया उसको भरी मजलिस में कि यार तुम कैसे हमारे मुरीद हो, तुम्हारे मदरसे में तो सारे उलमा और मदरसे जो देवबंदी हैं। वो खड़े हो गए, नवाब ने हाथ बांधे, कहा पीर साईं जो काम आप करते हैं ना ग्यारहवीं शरीफ मिलाद शरीफ, उसमें मैं आपको बुलाता हूँ और जो आपको नहीं आता तो मैं क्या करूँ, आपके यहाँ कोई मुदरस किताब हदीस पढ़ाने वाला ही ना हो तो मैं किधर जाऊँ, आप मुझे कल छः मुदरस भेज दें हदीस पढ़ाने वाले, मैं इनको निकाल देता हूँ। काजमी साहब चुप हो, बात तो सही ठीक की थी, उन्होंने कहा था जो काम आपका है मैं हमेशा आपको बुलाता हूँ। कराची में कोई साहब बीमार, अल्लाह शिफा अता फरमाए, मेरी बहन के दोनों गुर्दे फेल हो गए हैं, गुर्दों को तब्दील करने का कहा है, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा बेटा 8 साल का चल नहीं सकता, अल्लाह शिफा अता फरमाए। मेरा दोस्त अमेरिका में एक ऐसी लड़की से मस्जिद में निकाह की जिसके 3 बच्चे हैं और तलाक भी नहीं हुई, निकाह पर निकाह होता ही नहीं मेरा भाई, अगर किया है तो जिना कर रहा है, तौबा करें।